गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास फॉर 11th अकाउंटेंसी। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अप टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अप टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी। टुडे वी आर गोइंग to discuss functions of accountancy। ये 11th की अकाउंट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास है। कल हमने इसका टॉपिक स्टार्ट किया था, लिमिटेशन तक हमने डिस्कस ऑब्जेक्टिव तक डिस्कस किया था। ऑब्जेक्टिव के बाद टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कल मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, वो उम्मीद है थोड़ा सा कर लेना। देखो जो भी अपना 10th के जो भी रजिस्टर हैं अगर कर लेना और डिसाइड, थोड़ा सा मैंने कल बताया था कि स्टार्टिंग में दिस इज न्यू सब्जेक्ट, सो दैट थोड़ा सा यू शुड हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस, देन डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम यू विल इंजॉय दिस सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज़ वेरी ईजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर ए क्लास 11th। And we are going to discuss today limitation of accounting, functions of accounting. Functions of accounting, first is the maintaining systematic accounting record. The primary function of accounting is to maintain systematic accounting record. This is the primary function. पहला function है ना, पहला ही काम किसी भी accounting process का क्या होगा, account to maintain accounting systematic accounting record. बेटा देखो, if you will record all the transaction in a one book, you will not be able to satisfy the query of यूजर्स, है ना। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक राम ने पेमेंट की, श्याम ने, तुम्हारे पास 100 लोग पेमेंट करके गए, कभी कोई आता है पेमेंट करने, कोई पेमेंट करके ले जाते हैं, पेमेंट रिसीव करके लेके जाता है, विड्रॉ करता है, कोई कोई डिपॉजिट करता है, कोई विड्रॉ करता है, दिन में 100 पीपल्स अराउंड तुम्हारे पास आए और किसी ने आके पूछा ए पर्सन ने का अकाउंट में कितना पैसा है। If you don't have systematic record, you will not be able to answer this question. So that the primary function of accounting is to maintain systematic records, है ना, of financial transactions and event. You have to maintain systematic record of the financial transactions and event. It means that accounting record should be maintained following the accounting rules. मतलब accounting के हमारे कुछ rules हैं, debit credit के सब rules हम पढ़ते हैं आगे, है ना, उन rules को follow करते हुए तुम्हें accounting जो है बनानी है, है ना, accounting record maintain करने हैं, ठीक है। फिर है preparation the financial statement, second function, sorry ये थोड़ा सा लिखा है ना। अब सेकंड फंक्शन है इसका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस द फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम यूजुअली जो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं हमारे। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ वी हैव सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वी कैन ईजिली मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। मीटिंग द नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट फंक्शन इज द मीटिंग ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर कंपनीज एक्ट। You should have to maintain the legal accounting. You have to prepare account in a systematic manner.
ठीक है, एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है, यू आर बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द कंपनी लॉ बोर्ड, है ना, कंपनी एक्ट में या जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है, तो सो दैट वी प्रिपेयर द अकाउंट टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट, है ना, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स, वो जो भी जो वट एवर वी आर मेंटेनिंग, दे आर सो मैनी पीपल्स हु आर इंटरेस्टेड टू सी योर अकाउंट्स, सी द कंपनीज अकाउंट, सी द अकाउंट्स. अब उन्हें क्या है, जो वट एवर इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर, वी शुड हैव टू कम्युनिकेट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन टू दैम, है ना, वट एवर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय दैम, देयर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन वी शुड हैव टू कम्युनिकेट टू दैम. नेक्स्ट वन इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. अब सीधा सा असिस्टेंस, सहायता देना मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट को सहायता कैसे कैसे, हाउ दे विल असिस्ट टू द मैनेजमेंट, दे विल असिस्ट टू द मैनेजमेंट बिकॉज इफ दे विल प्रिपेयर प्रॉपर अकाउंट, मैनेजमेंट विल बी एबल टू नो द हाउ मच फंड वी हैव, हाउ मच एक्सपेंसिज वी हैव टू पे इन फ्यूचर, है ना, अपने फ्यूचर का भी और प्रजेंट का भी इनकम और एक्सपेंसिज का उनके पास सब सब टोटल एक्चुअल फिगर होगी. तो अगर एक्चुअल फिगर उन लोगों के पास होगी, मैनेजमेंट के पास होगी, तो डेफिनेटली दे कैन टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम. सो दैट वी कैन से इट इज़ द असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, इट इज़ द असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट. एडवांटेजेस, अब ये दोबारा एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ. फर्स्ट क्या था, प्रिपेयर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड फंक्शंस में, देखो इसे साथ के साथ इसे लर्न भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. फर्स्ट था सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन है उन्हें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा तो तुम जो है कोई भी क्वेरी अगर होती है तो तुम उसे इजीली बता पाओगे. दूसरा, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा तो डेफिनेटली यू विल एबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट, वट आर द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू कैन ईजिली मीट देम, है ना, इफ़ यू आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज द कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उन्हें कम्युनिकेट करना टू इट्स डिफरेंट यूजर्स. यूजर्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेटर ऑन वी विल स्टडी द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेटर ऑन वी विल स्टडी द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. फिर असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, इफ मैनेजमेंट हैव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ द फंड, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सपेंसेस, देन डेफिनेटली मैनेजमेंट कैन टेक प्रॉपर डिसीजन एट राइट डिसीजन एट राइट टाइम. एडवांटेजेस, एडवांटेजेस फाइनेंशियल हैं कुछ इसकी हमारी, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, ठीक है. पहले एडवांटेज क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजिशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज द नोन थ्रू द अकाउंटिंग. वट एवर प्रॉफिट अर्न, जो भी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या कोई भी एक्सपेंसिज हुआ, वो सब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, है ना, अकाउंटिंग से पता हमें पता चलता है वो सब, है ना. अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन हैं तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन के फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना फर्म को लॉस हुआ, फर्म के क्या एक्सपेंडिचर हैं, क्या इनकम है फर्म की, वो सब उन्हें पता चल जाएगा. ये कॉमन है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, डेफिनेटली दे विल असिस्ट टू द मैनेजमेंट, है ना, ये दोनों सेम है ना. असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मेक प्लानिंग, मैनेजमेंट हैव टू टेक डिसीजंस, और बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट जो करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, है ना. अब जैसे कोई भी हम मान लो कोई प्रोग्राम, कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमें नहीं पता कितना फंड है हमारे पास, तो वी विल नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज दैट पिकनिक, है ना, और वी विल नॉट बी एबल टू एबल टू टेक राइट डिसीजन, है ना. मान लो हम हमारे पास 1000 रुपीज़ हैं एंड वी आर प्लानिंग फॉर द शिमला,
तो वी विल नॉट एबल टू गो शिमला फॉर पिकनिक, इट्स डिपेंड अपॉन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मुझे सही पता चली, वी हैव 1000 रुपीज, तो हम दिल्ली की किसी भी प्लेस पे विजिट करेंगे, हम शिमला क्यों जाएंगे? हमें पता है हमारे पास लॉट ऑफ फंड है, तो हम कहीं भी उस जाएंगे, है ना? फिर हम उसी हिसाब से डिसीजन ले लेंगे. फिर है रिप्लेस मेमरी. देखो बेटा, ये मेमरी जो है ना, रिप्लेस मेमरी, मेमोरी का क्या है कि अब तुम्हें कहा जाए, जैसे बैंक में तुमने कभी देखा होगा, तुम गए हो, जैसे तुम अब बच्चे हो, तुम अब धीरे धीरे इन चीज़ों को समझोगे. तो बैंक में गए कभी, बैंक में देखा हो, उस बैंक में लाइनें लगी होती लंबी लंबी. अब वो हर चीज़ें क्या, वहाँ का अकाउंटेंट हर चीज़ें याद रखेगा. हाँ भाई, राम आया था वो पैसे जमा करा के गया, श्याम आया था, मोहन आया, वो सब पैसे जमा करा के गए. क्या वो हर चीज़ें याद रखेगा? नहीं. मेमोरी रिप्लेस होगी बाय, कौन रिप्लेस करेगा? मेमोरी विल बी रिप्लेस्ड बाय अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में हम सारे प्रॉपर अकाउंट बनाते हैं. अकाउंट में जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम जाओगे पता करने, बैंकर से पूछोगे, हाँ भाई ये बताओ मैंने मेरा मेरा अकाउंट में बैलेंस कितना है, वो तुम. अब उसे कहा जाए कि अकाउंट अकाउंट जो है क्लोज कर लो, अकाउंट क्लोज करके मुझे बताओ भाई कितना बैलेंस है, तो नहीं बता पाएंगे कितना. अब उन्हें कहा जाए कि भाई अकाउंट्स क्लोज करो, अब बताओ कि कितना बैलेंस है, वो नहीं बता पाएंगे ना. दे विल नॉट बी एबल टू टेल योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, है ना? उनके पास तो करोड़ों अकाउंट्स हैं, लाखों अकाउंट्स हैं. फैसिलिटेट इन कंपेरेटिव स्टडी, है ना? ये ध्यान रखना. देखो कंपेरेटिव स्टडी, मान लो मुझे कहना है कि ए फर्म अच्छी है या बी फर्म अच्छी है, मैं कहता हूँ ए और बी दो फर्म है ना, दो अलग अलग कंपनी है, फर्म है. अब इन दो फर्म में से कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है, किसके बेस पे बताओगे? बताओ, सोचो किसके बेस पे बताओगे, है ना? अगर मैं ये कहता हूँ कि इस कंपनी के पास, इसकी जो कंपनी के पास 1 लाख रुपया है, इस कंपनी के पास 2 लाख रुपया है, अकाउंट्स देख के बताएंगे ना. 1 लाख, इसकी 1 लाख का नेट प्रॉफिट है, इसका 2 लाख का नेट प्रॉफिट है. अब हम कहेंगे कंपनी बी इज बेटर देन कंपनी ए. आगे और भी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है भाई. अब नेट प्रॉफिट के बेस पे ही हम नहीं कर पाएंगे. अब ये भी देखना पड़ेगा कि कैपिटल कितनी कितनी कैपिटल लगाई. मान लो इसने 1 लाख रुपए इसका अर्न किया और इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही 1 लाख रुपए है, कि पैसा भी इसने 1 लाख रुपया लगाया और कैपिटल इसकी नेट प्रॉफिट भी 1 लाख हुआ, तो प्रॉफिट 100% हुआ इसका, है ना? प्रॉफिट कितना हुआ इसका? प्रॉफिट वाइज का बिल्कुल 100%. अब ये कंपनी ने क्या किया, 1 करोड़ रुपया लगाया और 2 लाख रुपए अर्न किए, या 10 लाख रुपया लगाया 2 लाख रुपए अर्न किए. मान लो मैं कहूँ इसने 10 लाख रुपया लगाया, 2 लाख अर्न किए, तो कितना परसेंट हुआ? 20%. अब ये 100% कंपनी अर्न कर रही है, ये 20% अर्न करने, विच कंपनी इज बेटर? कंपनी ई ए इज बेटर देन बी. कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी. इट्स डिपेंड अपॉन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, है ना? तुम्हें जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे ही तुम ये कंपेरेटिव स्टडी कर पाओगे, ठीक है? कंपेरेटिव स्टडी करोगे तभी तुम बता पाओगे, यू विल एबल टू से दैट विच कंपनी इज बेटर बेटर, है ना? विच कंपनी इज इन बेटर पोजिशन. दूसरा क्या है, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी. फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ, ठीक है? उसके बाद हमारा क्या है, ये हमारा सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी. अब टैक्स लायबिलिटी का जो सेटलमेंट होगा, टैक्स लायबिलिटी का सेटलमेंट किसके बेस पे करेंगे? टैक्स लायबिलिटी का जो सेटलमेंट करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे? टैक्स लायबिलिटी का सेटलमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, है ना? जो भी हमारा अकाउंट्स में जो भी प्रॉफिट हुआ या जो लॉस हुआ उसके बेस पे, तो लॉस पे तो खैर टैक्स नहीं लगता, प्रॉफिट पे टैक्स लगता है. और वो जो अगर इफ वी हैव अ प्रॉपर अकाउंटिंग, देन वी कैन ईजली से दैट के हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे. कंपनी तो सीधा सा भी, वो भी उनके चार्टर्ड उनके अकाउंटेंट हैं, वे सब हिसाब किताब लगा के बैठते हैं कितना टैक्स देना है. हर चीज़ें हमारे अकाउंट हमारे बिल्कुल आधार से जुड़े हुए हैं,
पैन कार्ड है, टेन नंबर है, ये सब जुड़े हुए हैं, है ना। तो इससे क्या है, हमारा जो है हमारी टैक्स लाइबिलिटी सेटल करने में भी हमें हेल्प करती है अकाउंटिंग। अगर प्रॉपर अकाउंटिंग है तो हम इजीली हम जो है अपना टैक्स को पे कर पाएंगे ना। फिर है फैसिलिटेट फैसिलिटेट लोन्स, है ना, फैसिलिटेट लोन्स। अब लोन लेने में भी तुम्हें क्या हेल्प करेगा, लोन लेने में भी हेल्प करेगा तुम्हारे अकाउंटिंग। अच्छा, एक छोटा सा मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ कि अगर तुम बैंक में जाओगे लोन लेने, पेरेंट्स जाते हैं मान लो लोन लेने, पेरेंट्स लोन लेने गए तो लोन लेने के लिए उनसे बैंक क्या करेगा, भाई 6 महीने की इनकम, अपनी सैलरी स्लिप दो, है ना, पिछले 4 साल का, 3 साल का जो भी है वो ITR दिखाओ, 3 साल का, 2 साल का शायद मांगते हैं, तो वो सब मांगते हैं, है ना। इसी तरह से तब जाके वो लोन देंगे, मतलब एक तरह से वो तुम्हारी जो फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, है ना, कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन है कि ये कि ये हमारी जो लोन है उसे रीपे कर पाएगा इन फ्यूचर या नहीं। सेम उसी तरीके से कंपनी है, कंपनी के अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स को अब हम करते क्या हैं, अकाउंट्स में उनका वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट, ITR जो भी कुछ है उनका, वो सब देखते हैं, अकाउंट देखते हैं, अकाउंटिंग देखते हैं। तो अकाउंटिंग देखते हैं तो अकाउंटिंग के बेस पे हम कह पाते हैं कि भाई ठीक है अपना ये जो है ये कंपनी इस हम इतना लोन दे सकते हैं, इतना हम लोन नहीं दे सकते, है ना, इतना लोन हम दे सकते हैं, इतना लोन हम नहीं दे सकते। तो उसी के बेस पे हमारा जो है लाइबिलिटी सेटल होगी, ठीक है, वो सॉरी लोन सेटल होगा उसी बेस पे, लाइबिलिटी नहीं लोन सेटल होगा, ठीक है। फिर है एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में जो एविडेंस होंगे, कोर्ट में जो भी एविडेंस दिए जाएंगे वो एविडेंस किसके बेस पे होंगे, एविडेंस बेस पे होंगे। एविडेंस क्या होंगे, हमारे कहते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या है। भाई हम तो बोल सकते हैं मेरे पेट में दर्द है, मेरे पास 100 रुपये हैं, मुझे जुकाम है, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, वो बता सकते हैं। अब बिजनेस क्या बताएं, बिजनेस का ध्यान रखना, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, ये हम उसमें पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स में, है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है और बिजनेसमैन अलग होता है। अब जो बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है, तुमने देखा होगा बहुत सी बड़े स्टोर हैं, वो अब अलग होते हैं, है ना। अब मैं कहूँ तुम मान लो एक बजाज की मोटरसाइकिल लेके आए, बजाज की अगर मोटरसाइकिल लेके आए और मोटरसाइकिल ख़राब निकली तो तुम राहुल बजाज के ऊपर केस थोड़ा ही करोगे, तुम बजाज ऑटो लिमिटेड पे केस करोगे। दैट मीन्स बजाज ऑटो लिमिटेड इज़ डिफरेंट एंड राहुल बजाज इज़ डिफरेंट, तो सेपरेट लीगल एंटिटी यही होती है ना। तो एविडेंस इन कोर्ट, ये कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज होते हैं अकाउंटिंग, क्योंकि जो भी तुम्हें बताना है कोर्ट में, तुम अकाउंट यू इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग टू एनी लाइबिलिटी, टैक्स हो चाहे वो कोई अदर कोई प्रॉब्लम हो, तो एविडेंस अगर पेश किए जाएंगे, अगर जो भी एविडेंस प्रेजेंट किए जाएंगे, अकाउंटिंग विल बी द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस को कई दफ़ा होता है भाई लगातार कोई थक गया है चला चला के, ठीक है यार अब बिजनेस नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, अब आराम करना है, बहुत से ऐसे होते हैं, उम्र हो गई है ना। अब व्हेन दे वांट टू सेल देयर बिजनेस व्हाट दे विल डू, दे विल असेस द वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, है ना, अकाउंटिंग के बेस पे ही वो बिजनेस की वैल्यू को असेस करेंगे कि बिजनेस कितने का है ना, बिजनेस हमारा कितने का है, ये उसी के बेस पे वो डिसाइड करेंगे, है ना, उसी के बेस पे डिसाइड करेंगे फैसिलिटेट ऑफ सेल ऑफ बिजनेस के भाई हमारे अकाउंटिंग बताएगी कि हमारे मान लो मेरे पास 1,000 रुपये 1,000 की लाइबिलिटी हैं और 2,000 की एसेट्स हैं या 1,200 की एसेट्स हैं, तो मेरी सेल्स वैल्यू कितनी होगी, 200 रुपीज़। अब कोई मुझे 2,200 थोड़ी देगा, है ना। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर इंसॉल्वेंसी होता है व्हेन द एसेट्स इज लेजर लेस देन लाइबिलिटीज, मतलब दूसरे के सेंस में कहें लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स
एंड कोर्ट विल डिसाइड दैट अ पर्सन और कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट. कोर्ट डिसाइड करेगा. ये नहीं मैंने किसी से लोन लिया, मैं कहूँ अरे भाई मैंने लोन लिया है, अब तो मैं अब लोन लेने के बाद मैं कह दूँ मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, है ना, मैं दिवालिया जिसे हिंदी में वर्ड यूज कर दिवालिया, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, अब मैं मेरे पास पैसे नहीं है. नहीं, कोर्ट में मैटर जाएगा. कोर्ट फिर एसेट्स और लाइबिलिटी का जो असेसमेंट करेगा. कोर्ट विल असेस द एसेट्स एंड लाइबिलिटी, देन कोर्ट विल डिसाइड दैट पर्सन इज इंसॉल्वेंट और नॉट, दैट कंपनी इज इंसॉल्वेंट और नॉट. कोर्ट डिसाइड करेगा ये, ठीक है. कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि कंपनी या ये पर्सन इंसॉल्वेंट है या नहीं है. तो उस वो किस बेस पे ये डिसीजन लेगा? कोर्ट विल टेक डिसीजन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, है ना. एक बार पढ़ोगे तो फिर तुम्हें समझ में आएगा बेटा. शुरुआत में थोड़ा सा कई दफ़ा लगता है कि हाँ भाई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है इंटरेस्ट आता है इसमें, धीरे धीरे इसमें मज़ा आएगा. लाइफ में अगर तुम इसे देखोगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट एवरीवेयर वी इन्वॉल्व इन द बिजनेस एक्टिविटी, यू कैन से इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना. जैसे तुमने कल टॉपिक पढ़ा होगा कि बिजनेस का 11th क्लास का, तो उसमें मैडम ने या सर ने जो भी पढ़ाया होगा उसमें बताया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तुम देखोगे हर जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना. फिर है नेक्स्ट इसका इंसॉल्वेंसी, मैंने तुम्हें बता दिया एसेट्स हमारी कम हो लाइबिलिटी ज़्यादा हो, एंड कोर्ट विल टेक डिसीजन दैट हिज एसेट्स दैट ही और द कंपनी विल इज बिकम इंसॉल्वेंट, है ना. तो नेक्स्ट है इसमें हेल्पफुल इन द पार्टनरशिप अकाउंट. पार्टनरशिप व्हेन टू और मोर पर्सन गेट टुगेदर टू रन अ बिजनेस, है ना. यहाँ तो इतना ही डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. एक बिजनेस को रन करने के लिए दो और दो से ज़्यादा लोग जब इकट्ठा होंगे ना, हेल्प ये ना, तो वो पार्टनरशिप बोलेंगे हम, ना दो और दो से ज़्यादा लोग, इसकी लिमिट है सब चीज़ें वो बता देंगे. तो जब इकट्ठा होते हैं तो वो पार्टनरशिप बोलते हैं. पार्टनरशिप क्या है कि अब इसमें क्या है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर जो और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस एंड यूज बिकॉज इट प्रोवाइड बेसिस ऑफ रीच अस सेटलमेंट. मतलब जो भी अकाउंटिंग में डेथ हो जाए किसी की पार्टनरशिप में, या रिटायरमेंट हो या एडमिशन हो, हम जो भी एसेट्स लाइबिलिटी जो भी एसेस करेंगे, दीज विल बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग. पहले हम अकाउंट चेक करते हैं बेटा, है ना. ऐसे मान लो हम किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं, अब हमें मान लो पार्टनरशिप ही ब्रेक करनी है आपस में. अब अगर हमें पार्टनरशिप आपस में ब्रेक करनी है, पार्टनरशिप ब्रेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले अकाउंट चेक करेंगे, है ना. अकाउंट चेक करेंगे, अकाउंट्स के बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई ये जो है इतना अमाउंट, मान लो हमारी पार्टनरशिप में एसेट्स लाइबिलिटी जो भी हमारी पार्टनरशिप में, ध्यान रखना एक रेशो गिवन होती है. रेशो कुछ ना हो तो इक्वल मान के चलते हैं, नहीं तो कोई रेशो गिवन होगी तो उस रेशो में हम डिवाइड करते हैं प्रॉफिट और लॉस को, उसी रेशो में वो डिवाइड कर लेंगे जब होगा. फिर है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. अकाउंट्स जो हैं, अकाउंट के एडवांटेज है ये भी, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. अब जैसे मैंने एक पहले तुम्हें बताया था तुम्हें पिकनिक जो है, पिकनिक डिसाइड करनी है कि हमें पिकनिक पे जाना है ना, हमें पिकनिक पे जाना है. अब पिकनिक पे जाना है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं है, यू डोंट नो हाउ मच फंड वी हैव, तो हाउ यू विल टेक डिसीजन अबाउट द डेस्टिनेशन ऑफ वेयर यू वॉन्ट टू गो फॉर पिकनिक, है ना. किस डेस्टिनेशन पे जाना है तुम्हें, तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे, है ना. यू विल नॉट बी एबल टू डिसाइड द डेस्टिनेशन ऑफ बिजनेस. उसके बाद है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस. क्या क्या रोल हैं ये थोड़ा सा ये कर लेते हैं दो चार इसमें से ना, उसके बाद बाकी कल देखेंगे. पहला रोल है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. पहला रोल है अकाउंटिंग का बिजनेस में, बिजनेस के जितने भी अकाउंट हैं वी विल मेंटेन इन सिस्टमेटिक मैनर्स, है ना. जैसे अकाउंट्स मान लो हम बना रहे हैं, ये राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट हम ओपन करेंगे एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. जैसे बैंक क्या करता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है बैंक के पास. तुम पूछोगे 10 दिन
20 दिन पहले कितना विड्रॉ किया वो भी बता देंगे। मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड पहला अकाउंटिंग का रोल है ना, जितने भी अकाउंटिंग है सिस्टमेटिक, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए पिछले साल प्रॉफिट कितना हुआ था, पिछले मंथ में प्रॉफिट कितना है, वो सब कैलकुलेट हो जाता है। ये सब एक जैसे हैं, इम्पोर्टेंस एडवांटेज रोल एक जैसे हैं, सब मिलते जुलते। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, ये मैंने पहले भी बताया, सेम वही है। असिस्टेंट्स टू मैनेजमेंट, अकाउंटिंग का रोल यही है कि मैनेजमेंट को असिस्ट करें, वट एवर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट वी विल गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट, इट विल असिस्ट टू द मैनेजमेंट। फिर है फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, एविडेंस इन कोर्ट। अदर में क्या है, फैसिलिटेट रेजिंग लोन्स भी बता दिया, टैक्स लाइबिलिटी भी, ये रोल सेम वैसे ही एडवांटेज की तरह। लिमिटेशंस की बात करते हैं बेटा, थोड़ा लिमिटेशन तक पढ़ेंगे आज, है ना, एक बार रिवाइज जरूर करना, क्योंकि तो लिमिटेशन से फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हें कहीं बोर ना हो जाओ, है ना। लिमिटेशंस तक पढ़ेंगे, अब देख लो कहीं पे नेट वेट पे कोई स्टडी मटेरियल या कुछ मिले तुम्हें 11th का तो उसे देख लो। मैं सर्च करता हूँ आज कोई स्टडी मटेरियल होगा तो मेरे से जितने बच्चे मांगेंगे मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अपना KVS का स्टडी मटेरियल शायद होगा मेरे पास, है ना कोई सॉफ्ट कॉपी अगर होगी तो मैं तुम्हें दूंगा। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट मोस्ट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, है ना। येट सम एस्टिमेट ऑल्सो मेड असर्टेनिंग द प्रॉफिट और लॉस, फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेट द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स। कुछ एग्जाम्पल्स, ये कुछ कहते हैं ना लिमिटेशंस होती हैं। अब हम कहें अकाउंटिंग, हम एक तो ध्यान रखना बेटा, अकाउंटिंग जो भी हम करेंगे वो एविडेंस के रूप में करेंगे। एविडेंस क्या होते हैं, वाउचर्स। हम जितने भी ट्रांजेक्शन किया, हमने कैश मेमो लिया, है ना, कैश मेमो, ये सब जो भी हम लेते हैं ये अकाउंटिंग हमारे वाउचर्स होते हैं। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस में बिना एविडेंस के कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी, एविडेंस होने के बावजूद भी अकाउंटिंग में क्या है, इट्स नॉट फुली एग्जैक्ट, ये लिमिटेशंस है, इसकी सीमा है जिसे बोलते हैं लिमिटेशन, है ना। अब ये इसकी फिर भी कोई ये लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, जैसे कि हमने क्या किया, एसेट्स की यूजफुल लाइफ हमने मान ली। देखो हमारे अकाउंट्स में हम करते क्या हैं, एसेट्स की कोई लाइफ मान के चलते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल, है ना, है ना। जैसे कोई तुम कोई बाइक परचेज करोगे, बाइक की लाइफ 15 साल है भाई, 15 साल बाद उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। कार की लाइफ भी मेरे ख्याल से 15 साल है ना, 15 साल बाद कार का भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल। इसी तरह से कोई लाइफ मान के चलते हैं, है ना, इसी तरह से एसेट्स की भी लाइफ मानते हैं। अब एसेट्स की लाइफ, उस लाइफ के बाद भी वो वर्किंग में हो सकती है ना, उस लाइफ के बाद भी वर्किंग में, यूजफुल हमने लाइफ मान ली, मान लो 5 साल 10 साल। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, है ना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, ये सब, है ना। अब हमने यूजफुल लाइफ मान ली, या हमने जो डेप्रिसिएशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज कर लिए, उनसे हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अलग अलग हो जाएगी। डेप्रिसिएशन तुम्हारे 11th में ही है, कहीं कई दफ़ा हम क्या मानते हैं कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर लेते हैं, कहीं कुछ लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका जो है अकाउंटिंग के जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा। उसके बाद है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नॉट बी रियलिस्टिक सीन्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड द कन्वेंशंस। फॉर एग्जाम्पल अंडर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इट टेकन दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट। अब ऐसे भी होता है ना, अकाउंट हम मान के चलते हैं हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम कभी CP जाओगे कनॉट प्लेस, तो वहाँ बिल्डिंग है उनकी रिलाइजेबल, उनके जो अकाउंटिंग बुक वैल्यू जो है उनकी किसी की 1 रुपया हो चुकी है, किसी की 2 रुपया, ऐसे करके बुक वैल्यू है, लेकिन एक्चुअली रिलाइजेबल वैल्यू अब देखो तो वो करोड़ों रुपये अरबों रुपये की रिलाइजेबल वैल्यू है। रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कितना पैसा उन्हें सेल करके मिल सकता है। बुक वैल्यू और रिलाइजेबल वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं, है ना। अब मान लो जब लगातार हमने डेप्रिसिएशन लगाते गए,
बिल्डिंग मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग पे हम डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हैं लगातार, बिल्डिंग पे लगातार डेप्रिसिएशन लगाते लगाते उसकी वैल्यू हमने बहुत कम कर दी है ना, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़, लेकिन रियल में वो हो सकता है बढ़ गई है उसकी वैल्यू, और बढ़ जाती है। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। अब दो भाई हैं जैसे तुमने कभी देखा होगा, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी है ना, दोनों भाई बिजनेस चला रहे हैं है ना। अब हम उनका नेटवर्थ देख लेते हैं है ना, भैया मुकेश अंबानी इज रिचर देन द अनिल अंबानी है ना। अब वो रिच तो है अनिल अंबानी से, लेकिन क्या हमने कभी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को देखा, उसकी क्वालिटी, उसका वर्किंग स्टाइल, काम करने का तरीका, उसके विजन पावर है ना, जैसे कहते ना वो उसके डिसीजन मेकिंग पावर है ना, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर दोनों में डिफरेंट हो सकता है। अब उसके क्वालिटी जो उसके गुण हैं, जैसे क्वालिटी को यहाँ गुण गुण एक हिंदी में वर्ड यूज करते हैं, तो जो उसकी क्वालिटी है उसे उसे इग्नोर किया जाता है। क्वालिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर, क्वालिटी ऑफ द वर्कर है ना, हम सिर्फ डेटा पे जाते हैं है ना, ये बिजनेस अब इसमें अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, उसकी क्वालिटी का कोई से रिकॉर्ड इसमें नहीं होता। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। ये देखना कभी तुमने सुना होगा कि दादाजी बोलते हैं या दादी बोलती हैं कि हमारे टाइम में भाई देसी घी बहुत सस्ता मिलता था, 10 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, ऐसे कुछ बताएंगे है ना, 100 रुपये किलो, अब मिलता है वो 800 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो। तो ऐसा ज़रूरी थोड़ा ही है कि वो सब जो है प्राइस बढ़े हैं, तो अब जो वो घी बेच रहा था वो बहुत अमीर हो चुका है, क्योंकि पहले 10 का था अब 1000 रुपये का बेच रहा है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एक होती है, ठीक है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में क्या होता है, इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइस बढ़ते हैं ना, उससे आदमी के स्टेटस पे कोई डिफरेंस नहीं आता। हम वो प्राइस लेवल चेंजेस, भाई उसके इनपुट की कॉस्ट भी बढ़ी है, जो पहले 10 रुपये का 50 रुपये किलो मान लो बेच रहा था, हो सकता है उस समय इनपुट उसकी 40 रुपये आ रही हो, जो गाय भैंस को जो भी उसे चारा वगैरह जो भी उसे ग्रास वो ला के दे रहा था, उसकी इनपुट की कॉस्ट कितनी आ रही है, 40 रुपये, और बेच रहा है 50 रुपये में। अब वो इनपुट की कॉस्ट उसकी आ गई है 400 रुपये, बेच रहा है वो 500 रुपये में, और रेट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से देखें तो डिफरेंस उसके परसेंटेज रेट ऑफ प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न जो है उसका 10% ही है, कोई चेंज नहीं आया, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है ना। तो प्राइस लेवल चेंजेस को भी इग्नोर करते हैं हम, अकाउंटिंग में दिखा देंगे कि अब ये कंपनी जो है इसकी इसकी कैपिटल है, इसका प्रॉफिट 10 करोड़ रुपया है, पहले आज से 50 साल पहले ये जो है इसका 10 लाख रुपये था, लेकिन अब 10 लाख रुपए की वैल्यू और 10 करोड़ की वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। उस समय जो था उस समय इनपुट भी जो हमारी इनपुट मतलब जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल था उसी हिसाब से कम था, अब उसी हिसाब से ज़्यादा है ना। अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग, या विंडो ड्रेसिंग मतलब ये नहीं कह रहे कि विंडो को कुछ सजाना संवारना कुछ है ना। विंडो ड्रेसिंग मीन्स द मैनुपलेशन ऑफ अकाउंट्स इन वे ऑफ वे सो एज टू कंसील वाइटल फैक्ट्स। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, मतलब मैनुपलेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स को मैनुपलेट करना, ये तो चार्टेड अकाउंटेंट अच्छे से जानते हैं कैसे मैनुपलेट किया जाता है ना, अकाउंट्स को मैनुपलेट करना कि जो वाइटल इंफॉर्मेशन है उन्हें कंसील किया जा सके है ना, वो एक्चुअल जो बिजनेस की पोजीशन है उसे डिस्क्लोज नहीं करते। बहुत सारे घोटाले भी कई दफ़ा सुना होगा तुम, न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, तो हर्षद मेहता वेहता ये सब, क्या तुम्हें अभी तुमने शायद इतना नहीं होगा इसमें, कभी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा, देखना कभी कुछ इन्फॉर्मेशंस है ना। अब जैसे एक बार मैं एक उसमें पढ़ रहा था, जिम्बाब्वे फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, वो कभी उसे भी देखना नेट पे अगर तुम्हें मिलेगा, तो वो खैर अलग चीज़ है ना। अब इसमें क्या है द प्रेजेंट अब इसमें क्या है, कंसील वाइटल फैक्ट एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो देयर बेटर पोजिशन देन वट इज एक्चुअली। अब एक्चुअल जो पोजिशन है उससे बेटर दिखाने के लिए जो काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। इन दिस सिचुएशन इनकम स्टेटमेंट फेल्स टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सही नहीं दिखाया जाता, मतलब मैनुपलेट करके दिखाते हैं डेटा को, ये भी है, बहुत सी कंपनी दिखाती है मैनुपलेट करके, इनकम ज़्यादा दिखाएंगी एक्सपेंडिचर कम दिखाएंगे है ना, तो इस तरीके से कुछ लिमिटेशंस हैं।
so that you should have to study these, you can say these two or three aspects I have discussed here. First is the advantages of accounting, functions, advantage and रोल ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस, इनके बारे में कुछ लिखना है तुम्हें ना, लिख लेना ये, या इसे दोबारा वीडियो को चला के ये जहाँ भी मिलती है ना देख लेना, है ना। इन चारों चीज़ों को तुम्हें रिपीट करना है, एक बार पढ़ना दोबारा। देखो स्टार्टिंग में बिकॉज यू आर बिगिनर इन दिस सब्जेक्ट, सो दैट यू शुड हैव टू लर्न टू टाइम्स एटलीस्ट, है ना। आफ्टर वेन यू start getting interest in this subject, definitely this subject will become easier for you, है ना। ये बहुत easy बन जाता है तुम लोगों के लिए, और easier, this will become easier subject for you। और इन चीज़ों को पढ़ो, एक बार रिवाइज करो। आज देखो दो तीन चीज़ें जो पढ़ाई हैं, कल भी कुछ पढ़ाया था। आज functions of accounting we have discussed, today we have discussed advantages of accounting and advantages, after that we have discussed role of accounting in business, it was similar as advantages of accounting. Next is the limitation of accounting, these two or three things you have to learn today. Thank you beta, thank you.